अभी आप देख रहे हैं कि इतने बड़े आंदोलन में कृषि विधेयक को काला कानून बताते हुए जो आंदोलन आप देख रहे हैं, यहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ अभी बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद जी मौजूद हैं। और आइए उनसे जानते हैं कि कृषि बिल को काला कानून बताते हुए ये किस तरह से इसका विरोध कर रही हैं। देखिए, कृषि बिल जो पास हुआ है वो गलत तरीके से पास हुआ है और संवैधानिक रूप से पास नहीं हुआ है। ऊपर से ये बिल में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं जो आम किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता है। एमएसपी का कोई भी बात नहीं किया गया है उसमें, वो कोई भी चीज़ बात नहीं की गई है जिससे कि आम किसान को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। छूट दे दिया गया है और जो पूंजीपति है वो सारा छूट का इस्तेमाल करेंगे। हर चीज़ निजीकरण करने का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इसमें साफ तौर से ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ पूंजीपतियों का ही इंटरेस्ट देखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप सब कुछ खुला छूट दे देंगे तो सारा चीज को कब्जा कर लिया जाएगा पूंजीपतियों के द्वारा। सिरामिक कोटिंग व टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ियों की इंटीरियर सफाई आधुनिक मशीनों से करते हैं हम हैं कालरा टायर्स। हमारे खड़पकना और हनुमान मंदिर कोकर स्थित सेंटर्स पर अवश्य पधारें। कालरा टायर्स, 34 हजारीबाग रोड, खड़पकना, रांची, नियर हनुमान मंदिर, कोकर चौक, रांची। अंबा प्रसाद जी, भाजपा जो है ये आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है ये किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल है वो पब्लिक फोरम में है, सब लोग पढ़ सकते हैं और इस बिल को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। जो आम किसान हैं उनका राइट्स का हनन होने वाला है ये बिल पास होने पे। और दूसरा चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी पार्टी है जो जल जंगल जमीन बचाने वाला बिल पास करवाई, चाहे वो 2013 का जो लैंड एक्विजिशन बिल है वो लागू करवाई है, जो कि रैयतों के विस्थापित प्रभावितों के हित में है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट पास करवाई है जो फॉरेस्ट को बचाने के हित में है। तो जल जंगल जमीन और किसानों का बात जो है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी ही पार्लियामेंट में प्रोटेक्शन देते आई है। तो मैडम, यहाँ कुछ किसानों का कहना है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये जो कृषि बिल है फायदेमंद है, तो क्या उनमें तो मतलब ये पूरी तरह बिल को समझ नहीं पाए हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं या क्या? देखिए, हम लोग सब कुछ समझते हैं और हम लोग हमेशा किसान का आवाज़ उठाते हैं। इसके विरोध में किसान भी है और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे आज पूरे देश भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के स्तर से नहीं हो रहा है, किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। और शुरू से ही बीजेपी सरकार में जो नरेंद्र मोदी हमेशा झूठ बोलते आए हैं, हमेशा धोखा देते आए हैं और ऐसे ऐसे बिल पास करते आए हैं जिससे सिर्फ निजीकरण, जिससे सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा हो। तो ये हमारे साथ मौजूद थी विधायक अंबा प्रसाद, जो किसानों के प्रति, किसानों के लिए आवाज उठाते हुए इन्होंने अपनी संवेदना दिखाई है और ये इसे काला कानून बताते हुए हर संभव प्रयास करेंगी कि इसे वापस ले लिया जाए। और जैसा कि आपने सुना कि यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 25 लाख किसानों से हस्ताक्षर करके और सौंपा जाएगा, यहाँ ये लोग जो है आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसे लेकर के। हर हाल में इनका कहना है कि केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि सम्भ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।